Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's lecture we will be discussing Kali group study. Kali group is a very important group in Materia Medica. कई remedies Kali group की बहुत ज्यादा important है. तो चलिए इस group को discuss करते हैं. आज के video में हम discuss करेंगे Kali group के कुछ common features and also mental symptoms. इसी के साथ इस video को start करते हैं. अगर आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो फ्रेंड्स इनसाइड ऑर्गेनॉन मटेरिया मेडिका और ऑर्गेनॉन के रेगुलर लेक्चर्स ले रहा है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक ताकि आपकी स्टडीज डिस्टर्ब ना हो. तो अगर आप उन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं उन वीडियो लेक्चर्स के साथ रेगुलरली बने रहना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ फ्रेंड्स काली ग्रुप. काली ग्रुप से हमें क्या पता चलता है. जो टर्म काली है दैट रिफर्स टू पोटेशियम. काली ग्रुप में जो पोटेशियम है वो किस चीज के लिए रेफरल है. काली जो टर्म है दैट इज मेंट टू बी रेफर्ड फॉर पोटेशियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल किंगडम. वी ऑलरेडी नो दैट जो पोटेशियम है ये मिनरल किंगडम को बिलोंग करता है. नाउ टॉकिंग मोर अबाउट दिस द वर्ड काली इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक. जो टर्म काली है दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक जिसका मतलब होता है एश. द अदर नेम ऑफ काली इज पोटेशियम. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टर्म डिराइव्ड फ्रॉम पोटैश ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड एशेस एंड रिमेन्स ऑफ बर्नड वेजिटेबल मैटर. नाउ पोटैश कहाँ से ऑब्टेन होता है. दिस पोटैश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड एशेस एंड रिमेन्स ऑफ बर्नड वेजिटेबल मैटर. जो वुड का बर्न्ड फॉर्म होता है जो वुड को बर्न करने से एशेज मिलते हैं या फिर जो बर्न्ड वेजिटेबल होते हैं इन सब से हमें पोटेशियम मिलता है. नाउ टॉकिंग मोर अबाउट पोटेशियम. अगर हमें जानना है कि ये अल्कलाइन है एसिडिक है या फिर न्यूट्रल सब्सटेंस है तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम या ट्वेल्थ में कि जो पोटेशियम होता है दिस इज एन अल्कलाइन सब्सटेंस. सो पोटेशियम इज एन अल्कलाइन सब्सटेंस. नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू इम्पॉर्टेंट रेमिडीज ऑफ काली ग्रुप. सो फ्रेंड्स हियर इज अ ग्रुप ऑफ फ्यू इम्पॉर्टेंट रेमिडीज विच बिलोंग्स टू काली ग्रुप. काली बाइक्रोमियम काली आर्सेनिकम काली मिराटिकम काली नाइट्रिकम काली सल्फ्यूरिकम काली फॉस्फोरिकम ये कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट रेमिडीज है जो काली ग्रुप को बिलोंग करती है. तो जब भी आप काली ग्रुप को एक्सप्लेन करोगे एग्जामिनेशन में या फिर अगर आपसे ऐसे भी कोई पूछता है तो आपको काली ग्रुप के कुछ इम्पोर्टेंट रेमिडीज का नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड द इंट्रोडक्शन एंड फ्यू इम्पोर्टेंट रेमिडीज ऑफ काली ग्रुप चलिए अब हम काली ग्रुप के कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन. तो चलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करते हैं. सो पोटेशियम कॉन्स्टिट्यूशंस आर हेविली बिल्ट. जो पोटेशियम कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिविजुअल्स होते हैं ये काफी हेविली बिल्ट होते हैं. दैट मीन्स इनकी बॉडी काफी मस्कुलर होती है और काफी अच्छा रोबस्ट इनका स्टेचर होता है. दे आर स्टाउट एंड रोबस्ट. स्टाउट का मतलब होता है ब्रेव एंड रोबस्ट. रोबस्ट दैट मीन्स इनका मस्कुलेचर इनका बॉडी का स्टेचर जो होता है वो काफी अच्छा होता है. ऑल काली रेमिडीज आर प्रोन टू द टेंडेंसी टू गेन वेट. दे हैव द टेंडेंसी टू गेन वेट. इनकी बॉडी में किस चीज की टेंडेंसी होती है जल्दी से वेट गेन करने की एंड हैव प्री मेच्योर ओल्ड लुक. जैसे कोई इंडिविजुअल है वो अभी 20 साल का ही है बट वो अपनी एज से काफी ज्यादा मैच्योर लगेगा. सो दे हैव प्री मैच्योर ओल्ड लुक. देर आर ब्लैक रिंग्स अराउंड द आईज. इसके पर्सन की आईज के अराउंड हमें ब्लैक रिंग्स भी देखने को मिल सकती है. नाउ टॉकिंग मोर अबाउट द कॉमन फीचर्स ऑफ काली ग्रुप द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज टेम्परामेंट. टेम्परामेंट दैट मीन्स जो पर्सन होता है काली ग्रुप का वो कैसे सिचुएशन से रिएक्ट करता है. सो जो मोस्ट ऑफ द काली ग्रुप रेमिडीज होती हैं वो फ्लेगमैटिक होती है. फ्लेगमैटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. फ्रेंड्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कॉन्स्टिट्यूशन बट यहाँ पे मैं आपको अगर ब्रीफली बताऊं दैट फ्लेगमैटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. तो फ्लेगमैटिक कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंडिविजुअल होते हैं दे आर क्वाइट काम. सो
जो काली ग्रुप की मोस्ट ऑफ द रेमिडीज होती है, इनके पर्सन का टेम्परामेंट काम होता है, ये ज्यादा किसी भी चीज के लिए रिएक्ट नहीं करते। जबकि जो काली फॉस है, दिस इज एन एक्सेप्शन टू दिस, कि जो काली फॉस रेमिडी होती है, इसका पर्सन कोलेरिक टेम्परामेंट का होता है, दैट मीन्स वो काफी इरिटेबल होता है। टॉकिंग अबाउट द थर्मल रिलेशनशिप, थर्मली दे आर चिली एंड सेंसिटिव टू कोल्ड। इसका जो पर्सन होता है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट दे आर चिली एंड दे आर सेंसिटिव टू कोल्ड, वेरी मच सेंसिटिव टू कोल्ड एयर। इनको एग्रेवेशन किस चीज से हो रहा है, एग्रेवेशन या फिर एवर्जन है इनको कोल्ड एयर से, क्योंकि ये सेंसिटिव है कोल्ड एयर के लिए, तो ये ऑब्वियस सी बात है दैट इनको एवर्जन होगा किस चीज से, कोल्ड एयर से। लेकिन सिर्फ एक रेमिडी है इसमें, फिर से एक एक्सेप्शन, विच इज काली सल्फ, जिनको एवर्जन नहीं है कोल्ड एयर से। नाउ टॉकिंग अबाउट द एमिलियोरेशन, जनरल एमिलियोरेशन इनको मिलता है किस चीज से, वॉर्म्थ से। सो एमिलियोरेशन मिल रहा है इनको बाय वॉर्म्थ। नाउ टॉकिंग अबाउट द डाइथेसिस, कि डाइथेसिस इनके इंडिविजुअली कैसी होती है। सो जो काली ग्रुप की रेमिडीज होती है, इनके जो इंडिविजुअल होते हैं, दे आर वेरी प्रोन टू रूमेटिक एंड गाउटी डाइथेसिस। ये रूमेटिज्म बहुत इजिली या फिर गाउट टाइप की डिजीजेस बहुत इजिली डेवलप करते हैं। सो डाइथेसिस इज रूमेटिक और गाउटी। टॉकिंग अबाउट द मियास्मेटिक बैकग्राउंड, जो काली ग्रुप की रेमिडीज हैं, दे आर एंटी सिफिलिटिक, दे ऑल्सो शो स्लो ऑनसेट एंड स्लो डिक्लाइन एज देयर मेन फीचर्स। सो ये एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन होती है, इनका मियास्म जो है बैकग्राउंड में वो सिफिलिस है, एंड इनमें जो डिजीजेस होती है या फिर मियास्म का जो ऑनसेट है वो बहुत स्लो होता है, धीरे से इनकी डिजीज आएगी और स्लो ही उसका डिक्लाइन होता है। नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड फ्यू कॉमन फीचर्स, ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ड्रग पिक्चर भी लिख रहे हो किसी काली ग्रुप की रेमिडीज का, तो आपको इन सब बारे में जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड द कॉमन फीचर्स, चलिए अब हम काली ग्रुप के कुछ मेंटल सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। Now, mental symptoms are very important when we discuss any group, because mental symptoms ही वो symptoms होते हैं जो as a physician हमें observe कर रहे होते हैं, not only during case taking but also उस person को observe करते वक्त। तो चलिए इसके बारे में हम discuss करते हैं। सबसे पहला symptom है over sensitiveness, इसका जो person होता है वो over sensitive होता है हर चीज के लिए। किस चीज के लिए, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कोल्ड के लिए। यहाँ पर लिखा है वेरी सेंसिटिव टू टच, नॉट जस्ट वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड बट ऑल्सो दे आर वेरी सेंसिटिव टू टच। नाउ टॉकिंग अबाउट द एंजाइटी, एंजाइटी मतलब चिंता हो गई या घबराहट हो गई। सो इसके जो पर्सन होते हैं वो काफी एंशियस होते हैं ऑल द टाइम, लेकिन मोस्टली कब होते हैं, मोस्ट मार्क्ड इन मॉर्निंग ऑन वॉकिंग, एंशियस अबाउट फ्यूचर सल्वेशन और डिजीज। सो इसके जो पर्सन होते हैं वो हर टाइम एंशियस होते हैं, बट सुबह के वक्त या फिर वॉक करते वक्त बहुत ज्यादा एंशियस होते हैं। एंड ऑल्सो दे वेन एवर दे थिंक अबाउट देयर फ्यूचर, जब भी वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो वो काफी चिंतित हो जाते हैं, फियरफुल। इसका जो पर्सन होता है वो फुल ऑफ फियर होता है, हर चीज का फियर है, फियर टू गो टू द बेड एट नाइट, फियर ऑफ क्राउड, भीड़ में जाने से डर लगता है, फियर ऑफ बैड न्यूज, कोई भी दुर्घटना की खबर आने का डर लगता है, फियर ऑफ बीइंग अलोन, उसको अलोन अकेले रहना भी पसंद नहीं होता, क्वेरलसम। जो पर्सन होता है वो काफी क्वेरलसम होता है, उसमें फॉल्ट फाइंडिंग नेचर होता है, उसकी आदत होती है दूसरों में गलती निकालने की, बिहेवियर वेरी क्रेजी। इसका जो बिहेवियर होता है वो क्रेजी इंडिविजुअल की तरह उसको रिलेट किया गया है। नाउ इरिटेबल, इसका जो पर्सन होता है वो काफी इरिटेबल होता है, ऑब्स्टिनेट मार्क्ड एट नाइट आफ्टर क्वेश्चन ड्यूरिंग हेडेक ड्यूरिंग मेंसेस। तो इसका पर्सन जो होता है वो काफी ऑब्स्टिनेट, जो इरिटेबिलिटी है इसके पेशेंट में वो मार्क्ड कब होती है, नाइट की टाइम होती है आफ्टर क्वेश्चन, दैट मीन्स आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग हेडेक एंड ड्यूरिंग मेंसेस। वीकनेस ऑफ मेमोरी, इसके पर्सन में जो मेमोरी है वो काफी वीक मिलती है, कैनॉट रिमेम्बर इवेंट्स एंड कॉन्सेंट्रेशन पावर इज लेस।
इसकी जो मेमोरी होती है वो काफी वीक होती है, ना ही ये कुछ याद रख पाता है कोई भी इवेंट को, और ना ही कंसंट्रेट कर पाता है। कंसंट्रेशन पावर इज ऑल्सो लेस। इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग, इसका जो एटीट्यूड रहता है वो हर चीज के लिए इनडिफरेंट रहता है। इसका किसी भी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई भी चीज इसको बहुत ज्यादा खुश बहुत ज्यादा दुखी नहीं करती, ना ही कोई चीज इसको प्लेजर प्रोवाइड करती है। सो जो पर्सन होता है वो काफी इनडिफरेंट होता है। इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग, डलनेस ऑफ माइंड इसमें हमें देखने को मिलती है। किस तरीके से कैनॉट रिकलेक्ट पास्ट इवेंट या फिर वर्ड, वो कोई भी बात बोलेगा तो उसको शब्द नहीं याद आएगा कि कुछ बात कर रहा है, अरे अरे वो क्या होता है, वो शब्द क्या था, ऐसे बोलता है। ठीक है, वो कलेक्ट नहीं कर पाता है या फिर कोई भी पास्ट इवेंट उसको याद नहीं आएगा। एब्सेंट माइंडेडनेस देखने को मिलती है चिल्ड्रन में, और डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, वो एब्सेंट माइंडेड होता है, उसका ध्यान कहीं और रहता है, कोई और बात चल रही होगी बट वो कॉन्स्टेंटली किसी और चीज के बारे में सोचता रहता है। एंड ऑल्सो डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, वो बातों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। रेस्टलेसनेस की बात करें तो रेस्टलेसनेस इसको होती है ड्यूरिंग इवनिंग एंड ड्यूरिंग मेंसेस एंड ऑल्सो आफ्टर हेडेक। मॉर्निंग मैनिया, साइलेंट स्पेल्स मोर मार्क्ड। सो इसके अंदर मॉर्निंग मेनिया भी हमें देखने को मिलती है। इम्पल्सिव टेंडेंसी की बात करें तो इसमें इम्पल्सिव टेंडेंसी है टू डू समथिंग वायलेंट, टू किल समबडी। ये एक बहुत डिफरेंट पॉइंट है दैट इसमें इम्पल्सिव जो टेंडेंसी होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि ये कुछ भी वायलेंट कर सकता है, इवन किसी को किल भी कर सकता है। इसमें स्लीपिंग टेंडेंसी भी हमें देखने को मिलती है, इतनी ज्यादा स्लीपिंग टेंडेंसी होती है कि ये जब भी उठता है वो हमेशा फील फ्रेश नहीं करता, फ्रेश फील नहीं करता, और वो काफी डल होता है, डल और स्लीपी ऑल द टाइम। ही बिकम्स सैड फियरफुल ड्यूरिंग स्लीप, वो सोते सोते दुखी और डर जाता है। लोदिंग ऑफ लाइफ, इंसेनिटी, डेलीरियम मोर इन कालीफॉस। जो इंसेनिटी और डेलीरियम है, डेलीरियम ज्यादातर कालीफॉस मेडिसिन में मिलता है। इल्यूशन ऑफ डेड पीपल, इसको इल्यूशन होता है किस चीज का, डेड पीपल का। प्रिंसिपल ड्यूटी, ऑप्टिमिज्म, वर्क टास्क, फैमिली, इसके लिए जो अपना काम है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड ऑल्सो हिज फैमिली, उसका फैमिली, उसके काम, और वो काफी ऑप्टिमिस्टिक होता है अपने बिहेवियर को लेकर। उसकी जो प्रिंसिपल ड्यूटी है, जो भी उसका काम है, वो उसको पूरी मेहनत से पूरे अपने एफर्ट्स के साथ करता है। उसके साथ ही वो अपनी फैमिली को, अपने जो भी वर्क टास्क है दैट मीन्स उसका जो भी बिजनेस का काम है, उसको भी बहुत अच्छे से हैंडल करता है। सो फ्रेंड्स, दीज वर द मेंटल सिम्टम्स ऑफ काली ग्रुप। सो बेसिकली जो काली ग्रुप का पर्सन होता है वो बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होता है, फियर होता है उसकी माइंड में, वो बातें कलेक्ट नहीं कर पाता है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, स्लीपिंग टेंडेंसी, डल सा इंडिविजुअल मिलेगा आपको, ऑप्टिमिज्म देखने को मिलता है, फैमिली से उसे बहुत ज्यादा प्यार होता है, और वो काफी इरिटेबल होता है, उसकी वीक होती है मेमोरी। ये सारे कुछ ऐसे मेंटल सिम्टम्स हैं जो कि काली ग्रुप के रेमेडीज में हमें देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर काली ग्रुप, इन विच वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन, द कॉमन फीचर्स एंड मेंटल सिम्टम्स ऑफ काली ग्रुप। आई होप आई हैव मेड एवरीवन अंडरस्टैंड। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इनसाइड ऑर्गेनॉन की हम एक फैमिली बिल्ड कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी उस फैमिली का पार्ट हो। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।